नेपोमीटर वेबसाइट की पहली फिल्म ही निकली 98% नेपोटिज्म से भरी हुई। वेल, कौन सी है फिल्म, किसकी है ये फिल्म, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रतन ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नेपोमीटर एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की जा रही है और इस वेबसाइट को सुशांत सिंह राजपूत के ब्रदर इन लॉ विशाल कीर्ति ने लॉन्च किया है। पर इस वेबसाइट में आपको ये बताया जाने वाला है कि इस फिल्म के अंदर कितना ज्यादा नेपोटिस्ट है और कितना ज्यादा परिवारवाद है, कितने आउटसाइडर है, कितने इनसाइडर है, इन सभी बातों के बारे में जो है उल्लेख किया जाएगा। अब ऐसे में महेश भट्ट की आने वाली फिल्म सड़क 2 के बारे में इस फिल्म ने जब नापा तोला तो ये फिल्म 98% नेपोटिस्ट से भरी हुई मिली। वो कैसे, वेबसाइट ने क्लियर तरीके से बताया कि उन्होंने इस फिल्म की कास्ट, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जितना भी क्रू है इन सबको मिला के इसके परसेंटेज को निकाला है। तो जब देखा जाए, अगर लीड रोल में जो नजर आ रहे हैं वो आलिया भट्ट और पूजा भट्ट और आदित्य रॉय कपूर और संजय दत्त, सर ये सभी एक तरह से परिवारवाद में नजर आते हैं। महेश भट्ट और मुकेश भट्ट इन्होंने मिलके इस फिल्म का जो है प्रोड्यूसर किया है, जबकि महेश भट्ट इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। साथ ही तो जितनी मतलब अगर एक मीटर देखा जाए तो मीटर में चार चीजें जो है वो परिवारवाद में नजर आ रही है। ऐसे ही इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए विशाल कीर्ति ने ये मैसेज भी छोड़ा है कि क्या आप इस फिल्म को देखेंगे। वेल, एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या आप सड़क 2 को देखेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आलिया भट्ट ने अपने काफी समय पहले एक इंटरव्यू हुआ था, उसके दौरान उन्होंने कहा था कि वो महेश भट्ट के साथ में एक फिल्म करना चाहती हैं, जो कि महेश भट्ट डायरेक्ट करे, वो उनका एक सपना है। तो सड़क 2 कुछ ऐसा ही है, सड़क 2 आलिया भट्ट और महेश भट्ट का एक सपना है, जिससे महेश भट्ट जो है काफी सालों के बाद नजर आ रही किसी फिल्म को डायरेक्ट करते हुए। तो साथ ही जिस तरीके से पूरी फिल्म के अंदर नेपोटिस्ट भरा हुआ है, तो क्या आप लोग ये फिल्म देखेंगे? जैसे कि नेपोमीटर ने पूरा दावा किया है कि इस फिल्म के अंदर कितना 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 परिवारवाद है, तो इसको चलते आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या इसका बहिष्कार करना चाहिए? क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है कि इस फिल्म को बायकॉट करना चाहिए। आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ।